बस में बैठकर ग्वालियर से बैराड़ आ रही एक महिला के बैग से करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के सोने के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना का पता तब चला जब महिला ने बैराड़ में घर पहुंचकर बैग खोलकर देखा तो बैग में रखा सोने का 2 तोले का हार और कान में पहनने का एक टॉप्स गायब था। महिला के पति ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पौरी पुलिस ने बस को रोककर तलाशी ली, लेकिन गहनों का कोई पता नहीं चल सका। जानकारी के अनुसार बैराड़ निवासी पम्मी घटेक बालाजी स्लीपर बस में सवार होकर ग्वालियर से बैराड़ आ रही थी। इसी दौरान एक जगह लड़की को मूंगफली दिलाने बस की सीट पर बैग रखकर उतरी। उसी दौरान किसी ने बैग में से हार और टॉप्स चोरी कर लिए। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो कैसे क्या घटना हो गई है आपके साथ? कैसे नहीं, मैं तो पर्स रखा था तो मैं मूंगफली लेने चली गई। मैंने बालक ने ना किसी में से मोबाइल निकाल लिया और चला तो मैंने रख लिया ऐसे ही जी। मुझे पता नहीं है, मैं घर पर गई और मैंने देखा तो वो एक ट्रक से नीचे डाला तो मैंने कहीं गिर गया होगा, देखा तो डिब्बा खाली। डिब्बा देखो, खोली डिब्बा खोली। कौन सी सीट पर बैठी थी आप इस बस में? फर्स्ट वाली। तो आपके साथ और कोई था क्या? नहीं, मेरा लड़का था, वो जो मैडम बैठी थी बस पास में।